महाभारत धर्म के लिए लड़ा गया एक ऐसा युद्ध जिसमें सिर्फ लाखों सैनिक ही नहीं बल्कि कई रिश्तों की भी मृत्यु हुई। इसमें भाई ने भाई को मारा, शिष्य ने गुरु को मारा, चाचा ने भतीजे को मारा और भी ना जाने कितने ऐसे रिश्ते थे जिनकी इस युद्ध में आहुति दी गई। हर तरफ बहता हुआ खून और पड़े हुए शव ये बता रहे थे कि अगर समाज अधर्म की राह पर चलेगा तो महाभारत होनी तय है। वैसे हमने पहले भी आपको महाभारत से जुड़े कई रहस्यों के बारे में बताया है, पर इस ग्रंथ में इतना कुछ बताया गया है कि आप इसे जितनी बार पढ़ेंगे आपको हर बार कुछ नया ही जानने को जरूर मिलेगा। इसलिए आज हम एक बार फिर से आपको महाभारत के अनसुने रहस्यों के बारे में बताएंगे। अगर आपको याद हो तो महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण शिखंडी बनी थी, वो शिखंडी जो काशी की राजकुमारी अंबा हुआ करती थी। पर भीष्म से अपना बदला लेने के लिए उसने कड़ी तपस्या की और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका अगला जन्म शिखंडी के रूप में हुआ और युद्ध में वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अंबा की दो बहनें और थीं, अंबिका और अंबालिका। उनके साथ भी वही अन्याय हुआ था जो अंबा के साथ हुआ था, लेकिन इन दोनों ने हालातों से समझौता करके उसे ही नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। पर इनसे जुड़ी एक कहानी ऐसी है जो सीधा महाभारत युद्ध से जुड़ी हुई है। वैसे तो अंबिका और अंबालिका का नाम महाभारत में कम ही सुनने को मिलता है, लेकिन आपको बता दें इन दोनों का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार विचित्रवीर्य से ही हुआ था। पर विवाह के कुछ समय बाद ही एक भयंकर बीमारी के चलते विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में हस्तिनापुर की राजमाता और विचित्रवीर्य की मां सत्यवती को हस्तिनापुर के सिंहासन की चिंता सताने लगी। उन्हें डर लगने लगा कि अंबिका और अंबालिका की संतानें ना होने की वजह से इस सिंहासन पर अब कौन बैठेगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए सत्यवती ने अपने विवाह से पहले जन्मे पुत्र ऋषि वेदव्यास को बुलाया। उन्होंने वेदव्यास को अपनी चिंता बताई और उसका हल बताने को कहा। ऋषि वेदव्यास ने बताया कि नियोग विद्या से अंबिका और अंबालिका गर्भवती हो सकती हैं, जिसके बाद सत्यवती ने अपने दोनों बहुओं को ऋषि वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया और उन्हें कठिन व्रत करने के बारे में बताया। सारी बातें जानकर अंबिका और अंबालिका इतना डर गईं कि इसका असर उनके होने वाले बच्चे पर पड़ा। जब अंबिका वेदव्यास के पास गईं तो डर से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, इसलिए उसका बेटा धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। वहीं अंबालिका डर से एकदम कमजोर और पीली पड़ गई थी, जिसके चलते जब उसके पांडु पुत्र का जन्म हुआ तो वो बहुत ही कमजोर पैदा हुआ। उधर वेदव्यास ने पहले ही सत्यवती को इस बारे में बता दिया था कि उनकी बहुओं के जो संतानें पैदा होंगी वो कैसी होंगी। इसलिए एक स्वस्थ पुत्र की कामना से सत्यवती ने एक बार फिर से अंबिका को वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। लेकिन अंबिका पहले ही इतनी डर चुकी थी कि वो दोबारा नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अगली बार उसने अपनी दासी परशरमी को वेदव्यास के पास भेज दिया, जिसके चलते कौरवों और पांडवों के चाचा विदुर का जन्म होता है जो कुरु वंश के प्रधानमंत्री बने। हम सब ने यही सुना है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने कई सालों तक हस्तिनापुर पर राज किया था और फिर एक दिन उन्होंने अपना राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया और फिर स्वर्ग की यात्रा पर चले गए। कहते हैं इस यात्रा में एक एक करके सभी की मृत्यु हो गई सिवाय युधिष्ठिर के। पर क्या आप जानते हैं ऐसा एक नहीं बल्कि दो बार हुआ था। दरअसल जब पांडव अपने वनवास के 12 साल काट रहे थे तो आखिर के कुछ दिन वो द्वैत वन के जंगल में बिता रहे थे। उन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही थी। एक दिन तेज गर्मी के चलते पांडवों को बहुत प्यास लगी, तभी पानी की खोज में नकुल इधर उधर तालाब ढूंढने लग गए। कुछ दूर चलने के बाद जब उसे तालाब नजर आया तो उसने तय किया कि वो पहले खुद पानी पिएगा और फिर अपने भाइयों के लिए ले जाएगा। पर जैसे ही नकुल पानी पीने के लिए आगे बढ़े वैसे ही सरोवर से एक आवाज आई, अगर इस सरोवर का पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। दरअसल ये आवाज एक यक्ष की थी, पर नकुल इतने प्यासे थे कि उन्होंने इस बात को अनसुना कर दिया और पानी पीने लगे। पानी पीते ही उनकी मृत्यु हो गई। उधर जब बहुत देर नकुल नहीं लौटा तो बाकी भाइयों ने सहदेव को उसकी खोज में भेजा। सहदेव जब तालाब के पास पहुंचे तो नकुल की ऐसी हालत देखकर चिंता में पड़ गए, पर गर्मी के चलते प्यास इतनी तेज लगी थी कि उन्होंने भी तय किया कि पहले पानी पिएंगे फिर नकुल को लेकर वापस जाएंगे।
पर सहदेव भी जब पानी पीने लगे तो उनके साथ भी वैसा ही हुआ। पहले भविष्यवाणी हुई और जब वो उसे अनसुना करके जल पीने लगे तो उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही अपने भाइयों को ढूंढने के लिए अर्जुन और भीम भी आए, पर उनके साथ भी वही हुआ जो नकुल और सहदेव के साथ हुआ था। आखिर में युधिष्ठिर खुद उस सरोवर के पास गए। उन्होंने जब अपने भाइयों को मृत देखा तो वो बहुत दुखी हुए। दूसरी ओर प्यास से उनका गला सूख रहा था। जब वो सरोवर से पानी पीने के लिए आगे बढ़े तो उन्हें भी वो आवाज सुनाई दी, अगर इस सरोवर का पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। युधिष्ठिर ने इस बात को अनसुना नहीं किया। उन्होंने उस यक्ष की बात मानी, जवाब देने के लिए तैयार हो गए। यक्ष ने पहला प्रश्न किया, हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी से भारी क्या है? युधिष्ठिर बोले, माता। तीसरा प्रश्न, आकाश से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, पिता। इस तरह युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे सवालों का सही जवाब देकर उसका मन जीत लिया। आखिर में युधिष्ठिर से प्रश्न होकर यक्ष ने उससे कहा कि तुम अपने किसी एक भाई को वापस जीवित कर सकते हो, बताओ तुम किसे जीवन दान देना चाहते हो? यक्ष के पूछने पर युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने को कहा। इस पर यक्ष को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, तुम अर्जुन या भीम को भी तो दोबारा जीवित कर सकते थे और ये तुम्हारी युद्ध जीतने में मदद भी करते, फिर तुमने नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर बोले, मैं माता कुंती का पुत्र हूँ, इसलिए माता मातृ के भी एक पुत्र होना बहुत जरूरी है, ताकि दोनों माताओं को कम से कम एक पुत्र तो जीवित रहे। ये सुनकर यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आ गए, जो असल में धर्मदेव थे। उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए उनके सभी भाइयों को दोबारा से जीवित कर दिया। महाभारत में श्री कृष्ण को कई रूपों में देखा गया है। पापियों का नाश करने वाले, गीता का ज्ञान देने वाले, अर्जुन का सारथी बनने वाले और धर्म की राह दिखाने वाले। पर इन सब के अलावा कृष्ण का एक और रूप था और वो था उनका अपमान करने वाले को नजरअंदाज करना। महाभारत ग्रंथ के अनुसार युधिष्ठिर ने जब इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें मुख्य अतिथि श्री कृष्ण को बनाया और इस बात से सभी खुश सिवाय शिशुपाल के। शिशुपाल कभी कृष्ण को पसंद नहीं करता था, उनके मन में उनके लिए बहुत ईर्ष्या थी। इसी के चलते जब श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में आते हैं तो वो भरी सभा में उनका अपमान करने लगा, पर एक वचन के कारण श्री कृष्ण शिशुपाल द्वारा किए गए अपमान को नजरअंदाज करने लगे। पर आखिर ऐसा कौन सा वचन था जिसने कृष्ण को बांध रखा था? दरअसल शिशुपाल की माँ कृष्ण की बुआ थी और उन्होंने अपनी बुआ से यह वादा किया था कि वो शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर देंगे। पर ऐसा क्या हुआ था जो कृष्ण को अपनी बुआ से यह वादा करना पड़ा? बता दें, जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो वो बिल्कुल भी साधारण बच्चों जैसा तो नहीं था। उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। इतना ही नहीं, उसके जन्म पर यह भविष्यवाणी भी हुई कि जिस दिन शिशुपाल उस व्यक्ति की गोद में बैठेगा जो भविष्य में उसका वध करेगा, उसी दिन वो साधारण बच्चों की तरह हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। जैसे ही शिशुपाल की मां ने उसे कृष्ण की गोद में बैठाया, उसी समय उसकी 1 आंख और 2 हाथ गायब हो गए। कृष्ण ये बात पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बुआ को वचन दिया कि वो शिशुपाल की 100 अपमानों को माफ कर देंगे। आपको बता दें, बड़े होने के बाद शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्होंने उन्हीं से विवाह भी किया। कहते हैं इस बात ने शिशुपाल के मन में कृष्ण के लिए और जहर घोल दिया था। यही वजह थी कि वो कृष्ण को नीचा दिखाने और उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। पर राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल की 100 गलतियां पूरी हो चुकी थी, यानी कि वो अपनी बुआ को दिए वचन से मुक्त हो चुके थे। इसलिए उस वक्त जब शिशुपाल ने उन्हें भरी सभा में चुनौती दी तो कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट कर उसका वध कर दिया। महाभारत युद्ध के 17वें दिन गांधारी अपने 99 पुत्रों को खो चुकी थी। उसका सिर्फ एक पुत्र जीवित था और वो था दुर्योधन। इसलिए किसी भी हाल में वो उसे खोना नहीं चाहती थी। दुर्योधन की रक्षा के लिए गांधारी ने तय किया कि भाई वो अपनी शक्तियों से उसे इतना मजबूत बना देगी कि उसकी मृत्यु होना असंभव हो जाएगा। दरअसल सालों तक आंखों पर पट्टी बांधने की वजह से गांधारी को ऐसी दिव्य शक्तियां प्राप्त हो गई थीं जो दुर्योधन को अमर कर सकती थीं। इसलिए गांधारी ने दुर्योधन को आदेश दिया कि गंगा स्नान करने के बाद वो बिना वस्त्र धारण किए उसके सामने आए। माँ का आदेश मिलते ही दुर्योधन ने ऐसा ही किया, लेकिन जब गंगा स्नान के बाद वो अपनी माँ के पास जाने लगा तो रास्ते में उसे कृष्ण मिले। उन्होंने उसके मन को भटकाते हुए कहा कि इतने बड़े पुत्र का अपनी माँ के पास ऐसे जाना बहुत शर्मनाक है। कृष्ण की इस बात ने दुर्योधन को दुविधा में डाल दिया।
इसलिए उसने कृष्ण की बात मानते हुए पास पड़े हुए पत्तों से अपनी कमर ढक ली और माता गांधारी के सामने पहुंच गया। गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी हटाकर जैसे ही दुर्योधन को देखा, उसका पूरा शरीर वज्र के समान कठोर हो जाता है, पर सिवाय उन अंगों के जो उसने पत्तों से ढक लिए थे। कहते हैं अगले दिन जब दुर्योधन और भीम का युद्ध हुआ तो भीम का कोई भी प्रहार दुर्योधन पर असर नहीं कर रहा था। तब भीम की मदद करते हुए कृष्ण ने उसे दुर्योधन की जंघा पर वार करने का इशारा किया, क्योंकि पत्तों से ढके होने की वजह से सिर्फ वही अंग वज्र के समान नहीं हो पाए थे। कृष्ण का इशारा मिलते ही भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार करके उसे मृत्यु के घाट उतार दिया और इसी तरह अधर्म पर धर्म की जीत हुई। वैसे अगर आप भी महाभारत से जुड़ी ऐसी किसी रहस्यमय कथा के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।